भाजपा पार्षदों ने बताया नगर से जुड़े विद्युत मंडल के कार्य, विधायक ने अधिकारियों के साथ रखी बैठक, समस्याओं के निराकरण के दिए निर्देश। सनावत नगर के वार्डों में विद्युत मंडल से जुड़ी हुई समस्या, पोल शिफ्टिंग, केबल सुधार, ट्रांसफार्मर में बदलाव सहित 18 वार्डों में फैली हुई अव्यवस्था को लेकर भाजपा पार्षदों द्वारा विधायक सचिन बिरला के नेतृत्व में अधिकारियों से चर्चा की गई। इस दौरान विधायक बिरला ने पार्षदों से अपने अपने वार्डों के साथ साथ अन्य वार्डों की भी विद्युत मंडल से जुड़ी हुई समस्या को आवेदन के रूप में अधिकारियों के समक्ष चर्चा के बीच रखा, जहां अधिकारियों ने एक एक समस्या पर उसके समाधान की जानकारी विधायक बिरला को दी। नगर के वार्ड क्रमांक 2 एवं 3 की महिलाओं ने वार्ड की कंट्रोल की समस्या को लेकर विधायक बिरला से चर्चा की। विधायक ने इस दौरान मौजूद नागरिक खाद्य आपूर्ति अधिकारी प्रीति राठौर से इस संबंध में आवेदन देकर उसके निराकरण के निर्देश दिए। क्या अधिकारियों की अलग अलग विभाग के अधिकारियों की बैठक ली, किस तरीके की समस्या थी और क्या निराकरण इनका किया गया? पूरे सनावत शहर में बिजली की समस्या प्राथमिकता से हमारे पार्षदों ने उठाई और आम जन को राहत देने का काम हम लोग कर रहे हैं। इसी तारतम्य में आज मीटिंग रखी गई थी, सब अधिकारी आए थे। वार्ड वार सभी वार्डों के हमारे पार्षद साथियों ने मिलकर अपने अपने वार्डों की समस्याएं, जो ज्वलन समस्याएं हैं, उन सब समस्याओं को अपने अधिकारियों के साथ मिलकर हल करने की कोशिश की, उनको चिन्हित किया है और आने वाले समय में ये सारी समस्या हल होगी। जैसे नगर पालिका की समस्याएं थी, नगर पालिका के इंजीनियर बाबू जो विद्युत विभाग का काम देखते उन लोगों को भी बुलाया था। जो काम नगर पालिका के माध्यम से होने वो नगर पालिका के अधिकारी करेंगे, जो काम विद्युत विभाग के माध्यम से होने वो हमारे इंजीनियर और हमारे डी साहब को बुला के हमने बताया है वो काम करेंगे। ऐसे ही काटपुट क्षेत्र के 3-4-8 गांव करीबन राजस्व के हैं, कुछ वनभूमि है। सुकड़ी नदी से वहां पर पानी की समस्या, पानी नहीं है, वन्य प्राणी गांव की ओर आ रहे हैं और अभी किसानों का वो कपास के बीज लगाने की व्यवस्था, मिर्च का रोप लगाने की व्यवस्था, वो सब करके इसमें पानी की जरूरत है, उसके लिए भी अधिकारियों से बात की है। कुछ हमारी माताएं बहनें वार्ड नंबर 1, 2, 3 की सभी आई थी, उनकी राशन दुकान की बहुत बड़ी समस्या थी, उसको भी हमारी अधिकारी मैडम से हमने बात करके उसको भी हल करने की कोशिश की और आने वाले समय में उनको भी राशन उन्हीं के वार्ड में मिलने लगेगा। इस तरह की अनेकों समस्याएं आज यहाँ पर हमारे जनप्रतिनिधियों ने, सनावत के प्रभुजनों ने, पत्रकार साथियों ने बताई, सभी के निराकरण की हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं और लगातार समीक्षा बैठकें हो रही है, अधिकारियों से चर्चा हो रही है और आने वाले समय में सब काम आपको होते दिखेंगे। डिजेना न्यूज मार्ट सनावत। निमाड की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज निमाड को सब्सक्राइब जरूर करें।